हेलो दोस्तों, आप सभी को जॉब न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के बीच हम एक नया रिक्वायरमेंट लेकर आए हैं जो कि माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी रिक्वायरमेंट है। जो भी युवाओं अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। दोस्तों, आज हम वही बैंकिंग सेक्टर का रिक्वायरमेंट लेकर आए हैं जो कि आपके बीच हम उपस्थित हैं। दोस्तों, आपको एक एक डाउट क्लियर करेंगे, जो भी डाउट होगा वो सारा चीज़ बताएंगे इस वीडियो में। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटा का बटन ज़रूर दबा दें ताकि जब भी कोई नए जॉब से रिलेटेड वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो क्या कैसे क्या है वो सारा चीज़ आपको बताते हैं। दोस्तों आइए, ये आपके बीच जॉब रिक्वायरमेंट की प्रोफाइल खुल चुकी है और आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जो कि भागलपुर, दरभंगा, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बेतिया, गया, पटना, पूर्णिया, ये सभी डिस्ट्रिक्ट में रिक्वायरमेंट है दोस्तों, जो कि हमारे बिहार स्टेट के लिए है। तो ये सारा चीज़ है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का है दोस्तों, जो कि बहुत ही शानदार कंपनी है। बस आप हमारे वीडियो में बने रहे, एक एक करके डाउट क्लियर करते हैं। दिनांक 25 जून 2021, 26 जून 2021, ये दो डेट रखा गया है इंटरव्यू का दोस्तों। इंटरव्यू का दोस्त दो रोज़ रखा गया है। पहली बात कर लेते हैं भागलपुर ब्रांच की, जो कि वहाँ पे इंटरव्यू होने जा रही है। उसकी लोकेशन क्या है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। पहले ऊपर से ही देखें दोस्तों, एड्रेस भागलपुर, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रामन केतन सेकेंड फ्लोर है, राधा रानी सिन्हा रोड, नियर अशोक वानी सेंटर, डिस्ट्रिक्ट भागलपुर है दोस्तों, जो कि पिन कोड 81201 है। ये एड्रेस था दोस्तों। उसके बाद पूर्णिया का है एड्रेस दोस्तों, उसके बाद लखीसराय का, उसके बाद मुजफ्फरपुर का, उसके बाद गोपालगंज और बेतिया, गया और पटना का है दोस्तों। ये सड़क है लोकेशन और आप अपने स्क्रीन पर अच्छी तरह से देख रहे होंगे। अगर आप चाहें तो आप कोई भी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं इस एड्रेस को और इस डेट पे जा सकते हैं इंटरव्यू पर। क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू में लेके जाना है उसकी आप बात कर लेते हैं दोस्तों। आपको काहे को वहाँ पे चाहिए तो दोस्तों, ये जो है फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों व्यक्ति जा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेशर। फ्रेशर उसे कहते हैं दोस्तों जो कभी भी काम नहीं किया हो या उसे काम के कोई भी अनुभव ना हो। और एक्सपीरियंस आप तो समझ ही रहे होंगे, यानी एक्सपीरियंस का मतलब है कि वो काम अच्छी तरह से कर सकता है, क्या हुआ है। तो पहले पोस्ट की बात करते हैं। अगर आप जॉब अगर सिलेक्शन हो जाता है आपको इस कंपनी में तो क्या आप पोजीशन पे रहेंगे। तो सबसे पहली है रिलेशनशिप ऑफिसर, जो कि RCO कहते हैं उसको दोस्तों। बहुत ही शानदार पोस्ट है। इसके लिए आपको 10+2 होने चाहिए, ग्रेजुएशन किए हैं तो भी, यानी कि ये होना चाहिए कम से कम 10+2 होना चाहिए, जो कि एज लिमिट रखा गया हो दोस्तों 18 से 30 वर्ष रखा गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों युवाओं के लिए। और फ्रेशर ही आवेदन कर सकता है इसमें, एक्सपीरियंस वाले के लिए कोई ऑफर इसमें नहीं है दोस्तों, सिर्फ फ्रेशर ही जाएँ इसमें दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं दूसरा सेकेंड पोजिशन क्या है। सेकेंड पोस्ट जो है वो ब्रांच मैनेजर का है दोस्तों। ये एक्सपीरियंस जो भी एक्सपीरियंस मेरे भाई मेरे युवाओं, अगर आपके पास 2 साल या 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस है तो इसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों। ये अपने हाथों से मत जाने देना इसके लिए। और जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं दोस्तों, कभी माइक्रो फाइनेंस में काम किए हैं और साथ ही आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और 3 साल का आपके पास माइक्रो फाइनेंस की एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका। 21 से 30 साल के है एज, जो कि बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। आप बस इस अगर आपके पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किए हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका। और तीसरा पोस्ट दोस्तों धमाकेदार है दोस्तों, एरिया मैनेजर का पोस्ट है दोस्तों। एरिया मैनेजर जो कि
बहुत ही सीनियर होते हैं, जो कि ब्रांच मैनेजर से भी सीनियर होते हैं। उसके अंदर बहुत सारा ब्रांच होता है दोस्तों, बहुत ही शानदार। इसी पोस्ट के लिए आप के पास ग्रेजुएशन या MBA किए हैं तो भी चल सकता है, ग्रेजुएशन किए हैं तो चल सकता है दोस्तों। कम से कम ग्रेजुएशन आप किए हैं तब, और 6 साल के माइक्रो फाइनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, 6 साल का दोस्तों एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये था दोस्तों, 3 पोस्ट है दोस्तों, तो आपको एक एक पोस्ट करके बता ही दिए हैं दोस्तों क्या क्या कैसे क्या है। आप बात कर लेते हैं सर दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की, जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू लोकेशन पे जाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो पहला सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक लेके जाना है, उससे भी पहले बात कर लेते हैं रिज्यूम को दोस्तों। रिज्यूम लेके जाना है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं रिज्यूम लेके जाना है, जो अपना लेटेस्ट रिज्यूम होना चाहिए दोस्तों, जो कि हाल फिलहाल का बना हुआ रिज्यूम हो। उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मोटरसाइकिल अनिवार्य है दोस्तों। ये सारा डॉक्यूमेंट्स एकदम अनिवार्य है, कंपलसरी है दोस्तों। ये सारा चीज़ लेके जाना है इंटरव्यू लोकेशन पे। और सैलरी इसमें क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ रहेगा, इसकी बात कर लेते हैं तो दोस्तों सैलरी प्लस इंसेंटिव प्लस फ्यूल या और आवास भी रहेगा दोस्तों, PF, ESI भी रहेगा, मेडिकल अन्य सुविधा, यानी कि पूरा फैसिलिटी दोस्तों है, पूरा फैसिलिटी उपस्थित है इस जॉब में। बस आप इस जॉब के लिए एकदम एश्योर हो जाइए और तैयारी कर लीजिए कि हमको जाना ही जाना है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कंपनी से बात करना चाहते हैं या मेल करना चाहते हैं तो ये कम दिया हुआ है, सारा 3 नंबर दिया हुआ है, आप किसी नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। फ़ोन करने के समय जो दिया गया है दोस्तों 10 से 2 बजे के बीच ही करना है दोस्तों, इससे पहले नहीं करना है या इसके बाद नहीं करना है दोस्तों। इंटरव्यू का जो टाइमिंग दिया हुआ है वह 10 से 1 बजे तक इंटरव्यू रखा गया है दोस्तों। ये सारा चीज़ था आपकी जॉब प्रोफाइल दोस्तों। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में अवश्य लिखें और लाइक और शेयर। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटे ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी कोई ऐसे जॉब से रिलेटेड वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद।